हेलो। अरे यार, ये लाइट को भी अभी जानी थी क्या? इसे भी हमेशा टाइम पे ही जाना रहता है। बत्ती साहब, ज़रा देखना तो सही, ये लाइट को क्या हो गया? प्लीज़ इसे जल्दी ठीक कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। थैंक यू सो मच। सो गाइस, लाइट आ चुकी है। सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, अभी एंड टाइम पे ही लाइट चली गई थी। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे हैं। एंड फॉर दोज ऑफ यू हु आर न्यू ओवर योर, प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ऑल्सो बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिए, ताकि जो भी हमारी फ्यूचर अपडेट्स रहेगी आप उसके लिए हमेशा नोटिफाइड रहोगे। तो अभी आपने जैसे देखा, लाइट चली गई थी और पूरा इम्पोर्टेंट टाइम पे ही चली गई थी। वो तो थैंकफुल बत्ती साहब थे, तो हमारे पूरी काम आसानी से हो गई। तो अभी ऐसी प्रॉब्लम शिप पे भी आती रहेगी, राइट? सो शिप पे जब भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, इलेक्ट्रिकल इश्यूज हो जाते हैं, जो भी हमारे शिप पे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होते हैं उसमें, तो बत्ती साहब बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि बत्ती साहब कौन है? तो बत्ती साहब हमारे होते हैं, यानी कि ETO, दैट इज इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर, जो पूरी शिप को अच्छे से मेंटेन करते हैं फॉर द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। सो अगर आपको जानना है इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन और ये कोर्स के बारे में पूरी डिटेल्ड नॉलेज, प्लीज कीप वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। 1, 2, 3, फक इट। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ETO होता क्या है। अभी हम ETO कोर्स, ETO ये सब के बारे में बहुत लोगों ने सुना रहेगा, बट एग्जैक्टली ETO का मतलब क्या है? सो ETO यानी कि हमारे होते हैं इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर, जिन्हें हम बुलाते भी हैं बत्ती साहब, जैसे कि अभी आपने देखा था। तो जो भी हमारे इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर्स रहते हैं, वो पूरी शिप की इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। अभी ETO का कोर्स या फिर ETO जो हमारे इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर्स रहते हैं, वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों रहते हैं एक शिप के ऊपर? तो बेसिकली इसलिए रहता है क्योंकि हमारी शिप पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स रहती है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स रहती है और इक्विपमेंट्स भी रहती है। सो इस सब को मेंटेन करने के लिए हमें एक हाईली स्किल्ड इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर की ज़रूरत होती है। सो जनरली जब भी हम सर्च करते हैं ETO के बारे में, हमें ETO के बारे में यही पता चलता है कि ETO इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर इज़ अ लाइसेंस्ड मेंबर ऑफ द इंजन डिपार्टमेंट। सो ज़्यादातर वो इंजन डिपार्टमेंट के साथ काम करते हैं, बट ETO इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल शिप का मेंटेनेंस, लाइक द होल शिप के इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स की मेंटेनेंस के ऊपर। सो अभी आपको पता ही चल गया रहेगा कि ETO का कोर्स यानी कि एक इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं शिप पे। अभी अगर लाइट चली गई या ऐसे सिचुएशंस आ गई, तो उस सब में स्मूथली ऑपरेट करने के लिए आपके सारे ऑपरेशंस, हमें एक ETO की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। ऑलराइट गाइस, सो नाउ टॉकिंग अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो आपने आपकी 10+2 यानी कि 10th और 12th पास की होनी चाहिए, विद अ मिनिमम PCM परसेंटेज ऑफ 60%, एंड आपके अपनी इंग्लिश परसेंटेज जो होनी चाहिए वो मिनिमम 50% होनी चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो यू विल हैव टू डू, लाइक आपने BE या फिर BTech करा होना चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, या तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ये लाइक डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं इंजीनियरिंग के ऊपर ही, आपने इसमें BE या फिर BTech करा होना चाहिए। एंड फॉर द डिप्लोमा वंस, दोज हु हैव डन दैट डिप्लोमा, दे शुड हैव अ 2 lateral एंट्री विथ मिनिमम ऑफ 2 years ऑफ BTech। सो दीज आर द लाइक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एंड आपकी ओवरऑल 60% होनी चाहिए इंक्लूडिंग ऑल दी सेमिस्टर्स दैट आर देयर। सो दिस इज लाइक द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ETO कोर्स। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द एज लिमिट। सो मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए लाइक 28 ईयर्स, लाइक उससे नीचे भी आपकी एज चलेगी, बट लाइक 28 ईयर्स लाइक इट इज़ द मैक्सिमम एज। आफ्टर दैट लाइक यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द ETO कोर्स। सो दैट वॉज इट फॉर टुडे गाइज। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए रिटर्न एग्जामिनेशन के बारे में, इंटरव्यू के बारे में, सो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, वी विल डेफिनेटली सॉल्व इट। एंड प्लीज़ गाइज, मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिए, ताकि जो भी हमारी फ्यूचर अपडेट्स रहेगी आप उसके लिए हमेशा नोटिफाइड रहोगे। थैंक यू। I love you, 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 I love you.